एंड वेरी वेलकम बैक टू माई चैनल. माई नेम इज शिवांगी एंड दिस इज शिवांगी शरण ब्लॉग्स. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. जय माता दी. सो सुबह सुबह हमारी ट्रिप शुरू हो गई थी राजगीर के लिए. तो अराउंड आफ्टर 20 ईयर्स ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल से स्कूल की ट्रिप निकली है राजगीर में. हमारे प्रिंसिपल सर 20 साल पहले एज अ स्टूडेंट आए थे और अभी एज अ प्रिंसिपल आए हैं. तो वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड एंड वी आर रियली एंजॉइंग वेरी वेल, इजंट इट? Yes! So, आपने देखा कि कितना इंतजियाज्म इन लोगों के बीच भरा हुआ है. दे आर सो एनर्जेटिक फॉर द ट्रिप. सो वीडियो में बने रहिएगा, बाकी सारी चीज़ें आपको वीडियो में बताई जाएगी. और ये सच बात है कि बहुत बड़ा धरोहर है हमारे लिए नालंदा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय, जो कि अब खंडर हो गया. एक टाइम में इससे बड़ा दुनिया में विश्वविद्यालय इससे बड़ा कोई नहीं था. सो थैंक यू सो मच एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस चैनल डू सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट. टेक केयर. जय माता दी. अरे कोई बात नहीं, मम्मा बैग ले लेगी. हम सब सामान लेट हो जाता है, इसलिए जल्दी गोदी में लेकर गए हैं. हम सब सामान ले देंगे. नालंदा का इतिहास तो काफ़ी बड़ा है, जिसको आप चाहकर भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं पूरा 100%. बट जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको भी बताऊं. सबसे पहले आपको बता दूं कि नालंदा शब्द संस्कृत के तीन शब्द ना प्लस आलम प्लस दा के संधि विच्छेद से बना है. इसका अर्थ है ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध न रखने से. खुदाई के दौरान यहाँ 1.5 लाख वर्ग फीट में नालंदा यूनिवर्सिटी के अवशेष मिले थे. ऐसा माना जाता है कि यह सिर्फ यूनिवर्सिटी का 10% ही हिस्सा है. इस यूनिवर्सिटी का इतिहास चीन के हेनसांग और इत्सिंग ने खोजा था और इन्हीं दोनों ने 7वीं शताब्दी में भारत आए थे और इन दोनों ने चीन लौटने के बाद नालंदा के बारे में विस्तार से लिखा और इसे विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया. इस विश्वविद्यालय में कई महान विद्वानों ने पढ़ाई की थी, जिसमें मुख्य रूप से हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आयुर्वेद, नागार्जुन का नाम शामिल है. और भी अगर आप जानकारी है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं. अगर कोई गलती होगी तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा और मुझे ज़रूर करेक्ट कीजिएगा. तो चलिए आगे बताती हूँ कि नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है. आपको जानकर सच में हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में करीब 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें एक समय 3 लाख से भी अधिक किताबें मौजूद थीं. आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा होगा. नालंदा को तक्षशिला के बाद दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है. और यहाँ ये ख़त्म नहीं, और एक बात सुनिए, आवासीय परिसर के तौर पर यह पहला विश्वविद्यालय है. यह 800 साल तक अस्तित्व में रहा. माय गुडनेस. इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होता था और यहाँ छात्रों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा दी जाती थी और साथ में रहना खाना बिल्कुल मुफ्त था, निशुल्क था. इस विश्वविद्यालय में एक समय में 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे और 2,700 से ज़्यादा अध्यापक उन्हें शिक्षा देते थे.
नालंदा में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई दूसरे देशों के छात्र भी पढ़ाई के लिए आते थे। और मैं क्या बताऊँ, मतलब बताने में मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं कि कितना बड़ा हुआ करता था। और नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। नालंदा में खुदाई के दौरान ऐसी कई मुद्राएं भी मिली हैं जिससे इस बात की पुष्टि भी होती है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना का उद्देश्य ध्यान और अध्यात्म के लिए स्थान बनाने से था। ऐसा भी कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने कई बार यहाँ की यात्रा की और यहाँ पर शक कर ध्यान लगाया। इतिहास के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में एक धर्म गूंज नाम की एक लाइब्रेरी थी। इसका मतलब सत्य और पर्वत से था। माय गुडनेस, लाइब्रेरी के 9 मंजिलों में 3 भाग थे जिनके नाम रत्नरंजक, रत्नोदधि और रत्नसागर थे। और यहाँ तक कि नालंदा में छात्रों को लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वारफेयर, इतिहास, मैथ्स, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज साइंस, इकोनॉमिक्स, मेडिसिन समेत कई सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता था। और मुझे जहाँ तक लगता है कि आज के टाइम में भी इतनी ज़्यादा फैसिलिटी आई डोंट थिंक सो किसी यूनिवर्सिटी में होगी। अगर होगी तो मुझे करेक्ट ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन उस टाइम के कंपैरिजन में अभी है तो इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, लेकिन उस टाइम थी 5वीं शताब्दी में। यू कैन इमेजिन कि उस टाइम इतना ज़्यादा फैसिलिटी, माय गुडनेस। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। पापा हाय कीजिए, मम्मी बाबू थक गए। यहाँ पे हमारे सारे बच्चे ब्रेकफास्ट कर रहे थे, काफ़ी थक भी गए थे सारे क्योंकि काफ़ी बड़ा यूनिवर्सिटी भी था। घूमते घूमते सच में हम सभी थक गए थे, तो ब्रेकफास्ट बहुत ज़रूरी था हमारे लिए। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल गए बुद्धा स्तूपा की ओर जहाँ पे ट्रॉली है। तो बस सिनेरियो तो काफ़ी बहुत अच्छा था। जो नहीं आए मैं उनको बता दूँ कि बिहार का वो शिमला मनाली से कम नहीं है। आई बेट यू इतने सुंदर सुंदर पहाड़, और आपको रास्ते में ना ढेर सारे टमटम मिलेंगे और इतना नेचुरल ब्यूटी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा ना, आप खुद को रोक नहीं पाओगे बार बार आने से। मैं तो पटना की, बिहार की ही हूँ, तो हमारी ट्रिप हो जाती थी पूरे साल में 1 से 2 बार ज़रूर हो जाती थी। तो यहाँ से एंट्री हुई हमारी बुद्धा स्तूपा की ओर, और यू कैन सी लेफ्ट एंड राइट पूरी ग्रीनरी है, पूरी ट्रीज है। एंड लेफ्ट साइड में आप ऊपर में आपको दिख रहा होगा कि वाइट वाइट कलर का मॉन्यूमेंट था, वही थे बुद्धा स्तूपा। वहाँ से या तो आप पैदल जाओ या फिर ट्रॉली से जाओ। ये है पूरा टमटम का स्टैंड, आपको रास्ते में जो टमटम दिख रहे थे यहाँ पर आकर रुकते हैं, और यहाँ से फिर आपको जाना होता है ट्रॉली के लिए टिकट्स लेने, या फिर बैक साइड से आप स्लोप की ओर चले जा सकते हैं। तो बस हम लोग पहुँच गए थे, ये देख सकते हैं हमारी स्कूल की गाड़ी। टोटल हम लोग 150 बसेस थी हमारी। यहाँ पे हम लोग गाड़ी से उतर कर चले टिकट काउंटर की ओर, और टिकट काउंटर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा रश था। एंड मैं जूम करती हूँ, ये है वो रास्ता ट्रॉली का, कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत है। बाबू आ जाओ। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं पहाड़ पे। लुक एट द व्यू। तो बस अभी हम लोग की प्लानिंग थी ट्रॉली से जाने की, बट एज यूजुअल ट्रॉली में बहुत ही ज्यादा भीड़ है, रश है, तब तक 5 या 6 बजे तक वापसी का टाइम हो जाता है तो बंद हो जाता है। तो हम लोग जा रहे हैं पैदल। चलिए मैम। क्या हुआ मैम? जय माता दी। जय माता दी। <laughs>
पक गए भाई, और राजगीर आएंगे तो पहले से बुकिंग करके आएंगे। तो आपको क्यों हंसी आ रही? हमको हम लोग गोवा बीच आए, हम लोग गोवा बीच आए। गोवा बीच गया था। ओके, बोल दो हाय गाइस, हम लोग राजगीर आए हुए हैं। नींबू पानी पिएगी? नींबू पानी पीना है? सब कोल्ड ड्रिंक पार्टी है, सब कोल्ड ड्रिंक। भाई इतनी चढ़ाई के बाद अब हम लोग नींबू पानी के लिए रुके हैं। वी नीड अ एनर्जी ड्रिंक। और लगाइएगा भैया, मजा आ रहा है बेटा। यस मैम। अब हमसे ना हो पाएगा, चल फेंकते नीचे। आराम से बाबू, रास्ते में नहीं बैठो, चलो। भाई जितना सोचा था उससे ज्यादा टफ निकला। जो लोग भी इंटरेस्टेड है भाई सीढ़ी चढ़ने के लिए, पहाड़ चढ़ने के लिए आए, जो आराम करना चाहते हैं चुपचाप आराम करें, नीचे आना है तो ट्रॉली से आए, वरना मत आए। भाई सबका बैंड बच चुका है, लेकिन ये अच्छी बात है कि हर कॉर्नर पे, हर मोड़ पे आपको नींबू पानी और कुछ कुछ एनर्जी ड्रिंक मिलते जाएंगे। ये देखिए लिफ्ट में कितना भीड़ है, बहुत भीड़ है भाई। चढ़ते चढ़ते परेशान हो गए, बहुत भीड़ है यहाँ पे। पूरे स्टॉल हैं, आपको जो भी चीज़ लेना हो यहाँ का लोकल चीज़ आपको मिल सकता है। सो माय डियर व्यूअर्स, हियर इट इज द बुद्धा स्तूपा। प्रीवियस क्लिप में आपने देखा होगा कि मैंने ट्रॉली की लाइन दिखाई, बहुत ही ज़्यादा रश थी, तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए बुद्धा स्तूपा के पास। बगल में एक मंदिर भी है, आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको हर चीज़ दिखाई जाएगी। क्या बेटा? लायन से डर लगता है। लायन है? अरे वाह, आ ना मम्मा, है ना मम्मा से डर, मम्मा के साथ रहेगा तो नहीं डर लगेगा। तो यहाँ पे है बुद्धा स्तूपा, अब परिक्रमा कर रहे हैं। परिक्रमा करके हम लोग बगल वाले मंदिर में जाएंगे, और वाकई काफी शांति लगता है भाई, इतने पहाड़ पे है तो ऑफ कोर्स शांति लगेगा। तो माय डियर व्यूअर्स, ये है वो मंदिर। यहाँ पे कैमरा, मोबाइल, वीडियोग्राफी ये सब अलाउड नहीं था, तो अंदर मोबाइल ले जाने को नहीं मिला, बट मैं बाहर से ही आपको दिखा रही हूँ। वापस जाने के लिए हम लोग लग गए लाइन में। चलो चले चले बेटा, अपने अपने हाथ में रखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहेंगे। जय जय, अभी कहाँ बैठेंगे? बाबू कहाँ पे बैठेगा? आप लाइन तोड़ रहे हो बेटा, जहाँ पे आप बैठोगे वहीं पे हम बैठेंगे। ओके, आप नहीं बैठेंगे? हाँ मैं बैठूंगी। नहीं बैठिए ना। बाबू कैसे जाएगा? बाबू कैसे जाएगा? हेलीकॉप्टर से? ट्रॉली से? ट्रॉली से। इतनी लंबी लाइन है बेटा, कैसे जाएंगे हम? क्या तुमने भी कर? हाँ हाँ।
जब मैं स्कूल से एज अ स्टूडेंट आया करती थी तो ये सिंगल सीटर ट्रॉली चलती थी। डर तो बहुत लगता था, बट इट वॉज अ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस। बॉडी बहुत ही एडवेंचरस लगता था, और कभी मम्मी के साथ आती थी, पापा के साथ, स्कूल के साथ, बच्चे की तरह। आज मैं बीइंग अ पेरेंट आई हूँ, बीइंग अ स्कूल गार्जियन आई हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। झूला में हम लोग बैठेंगे। चलो 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 चलो। कुछ लोग उधर भी बैठ जाओ। हम लोग कहाँ बैठे? हो गया, हम लोग बस इतने ही। हम कहाँ बैठे? हाँ साथ। कहाँ बैठे? जल्दी से। ये। कहाँ जा रहे हैं बेटा? बाबा पास। बाबा के पास जा। बाबा दादी पास। बाबा दादी के पास। वाह। कितना सुंदर है ना? हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग किससे से? हाँ, ट्रॉली से। ट्रॉली से? हाँ। हम लोग नीचे आ गए। सो फाइनली हम लोग नीचे आ गए, अब जा रहे हैं वापस घर को। थोड़ा डरावना लगता है, थोड़ा सा तो डर लगेगा। कितना सामान है? सर नहीं है क्या बेटा? सर पे ध्यान। प्रिंसिपल सर, देखो तुम्हारे लिए क्या लाए हम। चलो आगे लीजिए, आज दे लीजिए। जा, हो गया। जम्मू तक पहुंच जाएगा ना? वापस आने के बाद लग गई बहुत ज़ोरों से भूख, तो हमारे मेन्यू में था वेज बिरयानी और पनीर चिली। तो बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया मेन्यू को, और हमने भी, बड़ों ने भी बहुत इन्जॉय किया। सो हंसते गाते हमारी ट्रिप निकल गई वापस अपने घर की ओर। बच्चों ने खूब इन्जॉय किया, हमने भी काफ़ी इन्जॉय किया, और काफ़ी थकान हो गई थी। तो लास्ट में हमने इवनिंग स्नैक्स दिया सारे बच्चों को, बिस्किट एंड केक, और हमने चाय ली और बिस्किट ली, और फिर वापस हम लोग अपने रास्ते पे चल दिए। और प्रिंसिपल सर कंटिन्यूसली कोऑर्डिनेट कर रहे थे, हमारे ऑफिस स्टाफ कंटिन्यूसली कोऑर्डिनेट कर रहे थे सभी पेरेंट्स से, गार्जियन से, क्योंकि कुछ बच्चों को स्टॉपेज पे छोड़ना था। तो ये अश्योरिटी हम लोग गार्जियन से ले रहे थे कि जब तक आप स्टॉपेज पे आएंगे नहीं, तो हम बच्चों को छोड़ नहीं सकते। तो हर स्टॉपेज पे करीब करीब 10 मिनट 15 मिनट लग ही जा रहे थे, कुछ गार्जियन टाइम पे भी थे। फिर बाकी जो बच्चे वो स्कूल में उतरने वाले थे, तो ऑलरेडी गार्जियन वहाँ वेट कर रहे थे। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडेज राजगीर व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अभी तक चैनल पर बने हुए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। जय माता दी, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर इमेंस लव।